हमारा क्वेश्चन है, अ ट्रांसवर्स वेव ऑफ एम्पलीट्यूड 0.50 मिलीमीटर एंड फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज इज प्रोड्यूस्ड ऑन अ वायर स्ट्रेच्ड ऑन अ टेंशन ऑफ 100 न्यूटन। इफ द वेव स्पीड इज 100 मीटर पर सेकेंड, व्हाट एवरेज पावर इज द सोर्स ट्रांसमिटिंग टू द वायर। गिवन लिख लेते हैं, एक बोल वो क्या बोल रहे हैं, एक ट्रांसवर्स वेव है जिसका एम्पलीट्यूड कितना है, 0.5 × 10⁻³ मीटर, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी बोल रहा है कितना है, 100 हर्ट्ज, और क्या बोल रहा है, टेंशन उस वायर में कितना है, 100 न्यूटन का, और उसमें क्या बोल रहा है, वेव की जो स्पीड है वो कितनी है, 100 मीटर पर सेकेंड। हमें क्या निकालना है, एवरेज पावर, ठीक है, वायर में एवरेज पावर निकालना। तो एवरेज पावर जो होता है हमारा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज पावर का ये होता है हाफ म्यू वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे म्यू हमारा मास डेंसिटी है, वी हमारा स्पीड ऑफ वेव है, ए हमारा एम्पलीट्यूड है, ओमेगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो ओमेगा हमें, ओमेगा नहीं पता, तो ओमेगा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ओमेगा क्या होता है हमारा, 2π न्यू, ठीक है, तो न्यू कितना हमारा 100, तो ये हो जाएगा 200π, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी तो है, म्यू नहीं हमारे पास, तो म्यू के लिए हम क्या करेंगे, वेलोसिटी का इस्तेमाल करेंगे। वेलोसिटी क्या होता है हमारा, T/μ अंडर रूट, तो ये हो जाएगा V² इक्वल्स टू T/μ, तो म्यू हमारा हो जाएगा T/V², तो म्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, टी कितना हमारा 100, और ये हो जाएगा 1000, तो म्यू हमारा आ गया 0.01। तो बस इन्हीं वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे यहाँ पे, तो हाफ इंटू म्यू कितना है, 0.01, ये हो जाएगा 25 × 10⁻¹⁸ इंटू 100 इंटू 4π² इंटू 10⁴, ठीक है। तो पावर यहाँ से हमारे पास आ जाएगा सॉल्व करके इसको, 49 mW, ठीक है। ये 10⁻⁶ आता तो उसको मैंने मिलीवॉट करके लिख दिया, ठीक है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं,